हाई डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। सो मुझे बहुत सारे मेल्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैं कहाँ चली गई थी। फ्रेंड्स, मेरे घर में एक वेडिंग सेरेमनी थी, तो मुझे वहाँ पे अपना समय देना ज़रूरी था, जिसके लिए मुझे समय निकालना पड़ा। इस वजह से मैं डाउनलोड शेयर नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं बहुत सारे डाउनलोड्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और वो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। आप सब मेरे हाथों में मेहंदी देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं शादी के फंक्शन से आ रही हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सब के आभा मंडल को मैं क्लेंस करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ जो भी नेगेटिव एनर्जी आपसे अटैच होने की कोशिश कर रही है, ठीक है, आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। ठीक है, सेंड इट बैक टू सेंडर इमिजिएटली। जो भी नेगेटिविटी मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में अटैच होने की कोशिश करिए, दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करिए, उस सारी नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए, वापस वहीं फेंक दिया जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। ठीक है, सेंड इट बैक टू सेंडर इमिजिएटली, प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इन 200। या फ्रेंड्स, मैं 3-4 दिन डाउनलोड शेयर नहीं कर पाई, लेकिन मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेंबर्स ने फिर भी मुझ पर इतना सारा प्यार बरसाया है, इतना सारा सुपर थैंक्स का प्यार उन्होंने मुझे भेजा है। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। उन सब का प्यार सर आँखों पर, और उन सब के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लेस है। थैंक यू सो मच। मैं आप सबके नेम्स यहाँ पे शाउट आउट करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक यू सो मच। प्रदन्य पाटिल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट प्रदन्य। अभिनीत 3305, थैंक यू अभिनीत, थैंक्स अ लॉट। सुषमा कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्रभ HR9NZ, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि। बिपाशा सिंह, थैंक यू बिपाशा, थैंक्स अ लॉट। संजना निखाड़े 977, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सरू रानी 6245, थैंक यू सो मच सरू। लता जोशी, थैंक यू सो मच लता। अनिशा भूरा, थैंक यू सो मच अनिशा, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। स्वस्ति दास, थैंक यू स्वस्ति। लेट आर्ट वर्क स्टूडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। NI8QR1ZT4Y, आपका नेम नहीं है तो इसलिए मैंने यूजर ID पढ़ दी है। मनिंदर सिंह, थैंक यू सो मच मनिंदर जी, थैंक्स अ लॉट। हबीब अब्दुल वैसे, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। रघुकुल, थैंक यू सो मच रघुकुल, थैंक्स अ लॉट। गिरीश राव पिल्ले, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गिरीश जी। रुचि शर्मा, थैंक यू रुचि, थैंक्स अ लॉट। पारिजात, थैंक यू सो मच पारिजात, थैंक्स अ लॉट। सुमित्रा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बिष्णु, थैंक यू सो मच बिष्णु। गर्विता दुसेजा, थैंक यू सो मच गर्विता, आप सब ने इतना सारा प्यार मुझ पर बरसाया। मैं डाउनलोड शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन आप सबके प्यार में कोई कमी नहीं आई, आप सब ने भर भर कर मुझे प्यार भेजा, थैंक यू सो मच। और मेरे जो डिवाइन फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे इतना सारा मिस किया, इतना सारा प्यार भेजा, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। रियली आप सब मुझे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और मैं भी आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब हमेशा सभी कठिनाइयों से सुरक्षित रहें, ठीक है, कोई भी कठिनाई आपको छू ना सके, यही मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे डिवाइन फैमिली मेंबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको ब्रेसलेट चाहिए इसी टाइप का, ठीक है, तो मैंने ये प्योर सिल्वर के ऊपर ब्रेसलेट बनवाया है, एंड ये थ्रेड से पूरी तरह से अटैच्ड है, एंड आप इसको स्ट्रिंग को पुल करके इसको टाइट कर सकते हो एज़ पर योर रिस्ट साइज, ठीक है। तो आप अगर ये ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहते हो तो आप मुझे मेल करिएगा, एंड मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेंबर्स ने अपने लिए कवच ऑर्डर किया है, उनको ये कवच इस फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है। ये असीमित शक्तियों को धारण करता है, ठीक है, ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है, राइट। इसको धारण करने के कुछ नियम हैं फ्रेंड्स, बट अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो तो आप इनको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हो, लाल रंग के आसन पर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कवच है, लेकिन अगर आप इसको धारण कर सकते हो और इसके नियमों का पालन कर सकते हो, जो कि बहुत सिंपल नियम है, ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नियम नहीं है, तो आपको इसको लाल रंग के धागे में धारण करना है। ऐसा करने से
आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, जो कि अपने आप में धन योग है। ठीक है, सो अगर आप अपने लिए ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहते हो तो आप ब्रेसलेट भी ऑर्डर कर सकते हो। ये भी प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स, ठीक है, प्योर सिल्वर के ऊपर है ये। एंड या एंड ये भी हर प्रकार की नेगेटिविटी को रिपेल करने की शक्ति रखता है। ओके, ईवल आई पेंडेंट एंड कवच का कॉम्बो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये ब्रेसलेट है एंड ये ब्रेसलेट आपको इस फॉर्म में मिलेगा। या अगर आप कॉम्बो ऑर्डर करना चाहते हो ब्रेसलेट और कवच का, तो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप ब्रेसलेट, पेंडेंट और कवच तीनों चीज़ों का कॉम्बो ऑर्डर करना चाहते हो तो भी आप यू नो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आप अपने लिए कॉम्बो ऑर्डर करते हो तो वो आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा। ठीक है, आपको अगर इनमें से कुछ भी ऑर्डर करना है या फिर कॉम्बो ऑर्डर करना है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर मेल करना है। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी। ठीक है, जो भी आपको नियम फॉलो करना है, बेसिकली वो नियम बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मुझे लगता है बहुत से लोग उन नियमों का पालन भी करते हैं तो बहुत इजीली वो कवच को धारण कर सकते हैं। बट अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो तो आप इनको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था। ठीक है, एक ट्रैप तैयार किया गया था एंड आपको उस ट्रैप में यू नो फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था। ठीक है, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कॉन्स्पिरेसी करी गई थी एंड आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन यू हैव प्लेड स्मार्ट। ठीक है, आपने उन लोगों को आउटस्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउटप्ले किया है। ठीक है, आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियरली बच कर निकल चुके हो एंड सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने लव्ड वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है। एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपके पास हैं। आप वो चीज़ें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। सो आपके बारे में ये चीज़ क्लियरली लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउटस्मार्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, योर एनर्जी इज अनरीडेबल, आप रीड नहीं करे जा सकते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है यू नो रिसेंटली हो सकता है आपकी तबीयत वगैरह खराब हुई हो। ये इस वजह से थी क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और ये इस वजह से भी था क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। सो जो भी ट्रैप तैयार किया गया था ना, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। ठीक है, आपके लव्ड वंस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है एंड आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी, राइट? इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो, हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो। सो आपको हो सकता है तबीयत में कुछ, हो सकता है आपने कुछ डिफिकल्टीज झेली हो अपने हेल्थ को लेकर के। ठीक है, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसम्यूटर बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है एंड हो सकता है आज की डेट में आपको कोई यू नो ऐसा स्पाइडर वगैरह दिखा हो अपने घर में। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबोगरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन उस चीज़ में आपके जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो हेटर्स हैं, वो फेल हुए हैं। ठीक है, दे अगेन फेल्ड एंड दे कुडंट स्टॉप यू, वो आपको रोक नहीं पाए हैं। ठीक है, उनकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति
आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके लव्ड वंस पर वर्क नहीं कर सकती, जिन लोगों से आप प्रेम करते हो उन लोगों पर वो नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके तरफ इन्फैचुएट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से स्टिक होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंगी लोग भी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड हैं, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको क्लिंगी लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, ठीक है, उनके प्रति आपको रूड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है, विद उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए, ठीक है, आपको उनसे हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। ओके, सो ये चीज़ें आ रही हैं एंड आपको डेफिनेटली आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूटर बन चुके हैं, नो डाउट अबाउट दिस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं एंड इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, या कुछ हद तक वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन या कुछ हद तक वो कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज़ से अनटच्ड हैं। वाओ, राधा कृष्ण, ब्यूटीफुल, डिवाइन गाइडेंस लेंगे आपके लिए, देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, ये कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। मदर हीलिंग इज पॉसिबल, या सो हो सकता है किसी की मदर को हीलिंग की ज़रूरत है, किसी की मदर हो सकता है बीमार है, उनको कुछ फिजिकल हीलिंग की ज़रूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत है, मेंटल इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। या मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ सुधर रहे हैं, ठीक है, अपनी मदर के साथ किसी के रिलेशंस में सुधार हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है क्या सही है क्या गलत है इसको छोड़कर आपको ये चीज़, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है, ठीक है, क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है तो आपको पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, ठीक है, जिसमें फैमिली की खुशियाँ शामिल हैं, आपको वो चुनाव करना होगा। ओके, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं एंड किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज के ट्रैप में रही हो एंड धीरे धीरे करके वो उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है। या लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। या सो आपका सेक्रल चक्रा टारगेट किया गया था। ओके, आपका सेक्रल चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है एंड आपका सेक्रल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है एंड आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है एंड इसी के साथ साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग हो सकता है अट्रैक्टेड हैं। मैंने बताया ना आपको डाउनलोड में कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फैचुएटेड हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, आपके बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं। मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स, गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। या सो आपके जो ड्रीम्स हैं, जो विजन्स हैं, जो गोल्स हैं, ठीक है, ये सब सत्य होने वाला है, स्टे फोकस्ड, आपको फोकस्ड रहना है, अपनी लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना, ठीक है, खुशियाँ बिखेरना, हर किसी को खुश रखना और स्वयं भी खुश रहना। दूसरों की खुशी से पहले आपको स्वयं को खुश करना है, क्योंकि दूसरों की बकेट भरने से पहले आपकी खुद की बकेट भी भरी होनी चाहिए, राइट। जब आपकी खुद की बकेट ही खाली होगी तो आप दूसरों की बकेट कैसे भरोगे, राइट। तो पहले आपको खुद पर फोकस्ड रहना है
राइट अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहना है सो दैट आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाए. ओके, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट. या सो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं. सो जो भी लोग, जो क्लिंगी लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे ना, उनको रिमूव कर दिया गया है. ठीक है, आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है, कॉर्ड्स को कट कर दिया गया है. ठीक है, आपको यही बोला जा रहा है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी क्षमता असीमित है, कोई सीमा नहीं है. ठीक है, अपार अपार है. ओके, आपकी जो क्षमता है ना, अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी की बात हो रही है यहाँ. ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जीज पर ट्रस्ट करिए. ठीक है, डिविनिटी पर ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियों पर ट्रस्ट करिए. आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं. ठीक है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली. या सो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं दिव्य शक्तियाँ. ठीक है, इतना ज़्यादा प्यार है उनको आपसे, क्योंकि दिव्य शक्तियों ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशानी में होते हो, कभी भी उनका ध्यान आपके मन से नहीं हटता, कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है वो आपके मन से नहीं हटता. राइट, तो ये चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की है और इसी वजह से वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं. उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है. ठीक है, आप हाईली कमिटेड पर्सन हैं अपने वर्क के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति. और इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग हो रही है. ठीक है, आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें सुधार होगा. ओके, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग. या सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधरेंगे. ठीक है, यहाँ पे राधा कृष्ण की एनर्जी है, ऐसा बहुत रेयर होता है. ये फर्स्ट टाइम इस रीडिंग में दोनों एक साथ आए हैं. ठीक है, राधा कृष्ण, सो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है. आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग में आने वाले हैं. ओके, आप बहुत ज़्यादा हार्मनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं. आपकी रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ मैं. ठीक है, एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे. माँ तारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है. ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स आ रही हैं. ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आते हैं आपके लिए, क्या साइन, क्या सिंबल्स हैं जो आपको डिवाइन एनर्जीज एंजल्स देना चाह रहे हैं. माय डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या साइन आ रहे हैं. डियर एंजल्स प्लीज़ मेरे कलेक्टर्स के लिए साइन दीजिए. डियर एंजल्स मेरे कलेक्टर्स के लिए साइन प्रोवाइड करिए. एंजल्स, माय डियर एंजल्स, आई कॉल प्लीज़ मेरे कलेक्टर्स के लिए मैसेजेस प्रोवाइड करिए. ओके, पेशेंस, आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है. ठीक है, थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए. या लव, आपको प्रेम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. ठीक है, एंशियस नहीं होना है. इमोशंस, तो बहुत सारे इमोशंस हैं आपके मन में, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो जिसकी वजह से दिक्कतें होने लगती हैं. आपका क्राउन चक्र एक्टिव है. ठीक है, इनविजिबल क्राउन धारण कर रखा है आपने. अचीवमेंट्स, बहुत सारी अचीवमेंट आने वाली है आपकी तरफ. ओके, सो यहाँ पे नंबर 9 स्पेसिफिक है. हो सकता है आपका बर्थडे सितंबर मंथ में होता हो, हो सकता है आपका बर्थडे मार्च में होता हो, हो सकता है आपका बर्थडे अगस्त में होता हो, या 23rd यहाँ पे स्पेसिफिक आ रहा है. नंबर 5 स्पेसिफिक है, नंबर 1 स्पेसिफिक है, 28th हो सकता है आपका बर्थडे डेट हो. या 28th ऑफ ऑगस्ट आई एम लिसनिंग, 1st ऑगस्ट, या 5th ऑफ मार्च, 5th ऑफ सितंबर, 5th ऑगस्ट, या 9th ऑफ ऑगस्ट, 9th जनवरी, 1st ऑफ सितंबर, 3rd सितंबर, 3rd जनवरी. या सो ये डेट्स आ रही हैं. ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक डेट्स हैं. हो सकता है आपकी एज 28 है या फिर आपकी एज 23 है. ठीक है,
ठीक है, आपकी एज 32 भी हो सकती है, ओके 1982 बॉर्न है कोई, या तो ये कुछ स्पेसिफिक डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। सो मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं, आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सो एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है, आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने परसेप्शन में आपको बदलाव लाना है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है आपके जीवन में, एक न्यू एनर्जी है एंड अपने पार्टनर के साथ आप एक यू नो म्यूचुअल लव में है एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ, यू आर लव्ड, ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड हैं, आपसे प्यार करते हैं वो, एंड ये चीज़ आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है एंड अब आपको ये चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब आप बियॉन्ड इल्यूजन्स देख पाएंगे, ठीक है, अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है, आपका आपके इमोशनल साइड जो है ना वो हो सकता है मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता होगा, ठीक है, जब फुल मून आता होगा तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल हो जाते हैं, जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं, तो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है ना वो वेरी करता है, तो आपको उस चीज़ के लिए वॉचफुल रहना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए, ठीक है, अपनी इमोशनल साइड को उनसे यू नो बताना चाहिए कि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें छिपानी नहीं चाहिए, अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ओके, सो दैट यू फील बेटर, ताकि आपको बेटर फील हो, ओके आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, या आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिव है एंड मुझे दिख रहा है कि आपके क्राउन चक्रा को हो सकता है किसी ने टच करने की भी कोशिश करी है, ये बात आप भी जानते हैं कि किसी ना किसी बहाने से आपके क्राउन चक्रा को टच करने की कोशिश करी गई है टू रीड योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को रीड करने की कोशिश करी गई है, लेकिन उसमें वो फेल हुए हैं बिकॉज आपकी एनर्जी को रीड नहीं किया जा सकता, ठीक है, आपके सोशल स्टेटस में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, लोग आपके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं, ठीक है, आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है, मुझे ये दिख रहा है, जो लोग फेक थे, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जो लोग टॉक्सिक थे वो आपके जीवन से जा चुके हैं, हो सकता है आप उन लोगों को यू नो देख नहीं रहे हो सकता है आपको वो लोग रिसेंटली दिख ना रहे हो, जो लोग आपके लिए टॉक्सिक यू नो फीलिंग्स रखते हैं, हो सकता है इस प्रकार के लोग आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं, तो आपके सोशल सर्कल में एक चेंज आ रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, या सो आपके सोशल सर्कल में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिक लोग आपसे दूर जा रहे हैं और जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं वो आपके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उन लोगों से आप यू नो कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, उन लोगों से आप मिल रहे हो, सो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, या लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, डिवाइन एनर्जी, डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज मैसेजेस प्रोवाइड करिए कलेक्टिव्स के लिए, ओके, फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत, ओके, आप एक नई शुरुआत करने वाले हो, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स, ओके 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 आपकी या सो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई, मैंने बोला ना एक ट्रैप बिछाया गया था, तो उस ट्रैप में आप बिल्कुल भी नहीं फंसे हो क्योंकि आपने उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है,
इनटू न्यू एनर्जी। ठीक है, आपने उस नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया है एक सकारात्मक ऊर्जा में, बिकॉज आप अपने आप में एक एल्केमिस्ट हो, आप ऊर्जा को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हो। ठीक है, तो जो भी ईविल स्पेल किया गया था, मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ को इम्बैलेंस करने की कोशिश करी गई थी। ठीक है, आपकी सिचुएशन को, जो कि बहुत अच्छी चल रही थी, आपकी सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करी गई थी। एंड डेफिनेटली ये जो स्पेल वर्क है, ये जो ईविल स्पेल है, ये बैकफायर हुआ है। ठीक है, ये फेल हुआ है पूरी तरह से। तो ये मैसेज यहाँ पे बहुत क्लियरली आ रहा है। मैं आपको एक बार राशियाँ बताऊँगी। या मेष राशि बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पे। मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, या धनु राशि भी स्ट्रांग आ रही है यहाँ पे। मेष और धनु भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओके ओके या आपने पूरी तरह से उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो जिनकी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट हो रही थी। ठीक है, वो हो सकता है आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। ठीक है, इन चीज़ों को पूरी तरह से हटा दिया गया है आपके जीवन से। जो नेगेटिव एनर्जी थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में हीलिंग हो रही है। ठीक है, जो भी दिक्कतें थीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो दिक्कतें अब दूर होंगी। आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से कमिटमेंट देने वाले हैं या दे चुके हैं। ठीक है, एंड हो सकता है वो अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, उनको रियलाइजेशन है कि आपके साथ रिश्तों को ख़राब करने से उनका भी नुकसान है। ठीक है, तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है। आपके धन में हो सकता है कहीं ना कहीं आपको लॉस हुआ हो। ठीक है, हो सकता है आपको धन हानि हुई हो किसी प्रकार से। रिसेंटली हो सकता है आपने किसी प्रकार का लॉस झेला हो। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस मुझे दिख रहा है आपने झेला है, लेकिन वो फाइनेंशियल लॉस आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया है, बिकॉज आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। ठीक है, एंड मुझे दिख रहा है कि मुझे बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी दिख रही है, बहुत लैविश एनर्जी दिख रही है। आपको किसी भी प्रकार का लॉस इफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बिकॉज आप उसको ठीक करना जानते हैं, आप उसको रेक्टिफाई करना जानते हैं, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही हैं। स्पेल वर्क डेफिनेटली यहाँ पे किया गया है, जो मैंने आपको बताया ना, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई है, किसी न किसी प्रकार के जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो जाल पूरी तरह से टूट चुका है। ठीक है, ध्वस्त हो चुका है, वो जाल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बिकॉज आपके जीवन में अब नई शुरुआत हो रही है, एक नए परसेप्शन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। या पास्ट में हो सकता है आप किसी प्रकार के डाउट में थे, किसी प्रकार के इल्यूजन्स में थे, तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, अब आप बियॉन्ड इल्यूजन देख पाएंगे, अब आप किसी प्रकार के इल्यूजन में नहीं फंसेंगे, अब आप किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं फंसेंगे, क्योंकि अब आप एक क्लैरिटी तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, आप ऐसी दिव्य शक्तियों, मुझे दिख रहा है कि रिसेंटली आप ऐसे ऐसे सिद्ध जगहों पर गए हैं जहां से आपको एक्चुअल में आपकी समस्याओं का तोड़ आपको मिल चुका है। ओके, सो अब आप बियॉन्ड इल्यूजन देख पाएंगे। ये समय आ चुका है कि आप और आपके पार्टनर हमेशा के लिए एक होकर रहें। ठीक है, आप दोनों हमेशा एकजुट होकर रहें और इसी प्रकार से आगे बढ़ें। ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, इसको रिमूव कर दिया गया है आपके जीवन से। ओके, आप दोनों के जीवन से इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। सो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। राइट,
आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इमोशनल डिटैचमेंट हो गया था ना, जो आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो अब वो चीज़ें अब यू नो दूर हो रही हैं, या वो नेगेटिविटी अब दूर हो रही है, या सो ये चीज़ आ रही है. डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ इविल स्पेल किया गया था, ओके, जो बैकफायर हुआ है. देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए. लेट्स सी. लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से. ओके, डाउन विद फीवर. हो सकता है किसी को रिसेंटली फीवर वगैरह रहा हो. मैंने बताया ना, आपने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, आपने सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसम्यूट कर दिया है, ठीक है. या इनसिक्योर, हो सकता है कुछ इनसिक्योरिटी आपको फील होती हो, ठीक है. आपको अश्योरेंस चाहिए अपने पार्टनर से. हो सकता है आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर के इनसिक्योर फील होता था, लेकिन ये चीज़ें अब सुधरने वाली हैं, ठीक है. ये जो समस्या थी आपकी, इस समस्या का हल अब निकल चुका है, ठीक है. बहुत जल्द आप अपनी स्थिति में परिवर्तन देखेंगे. बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर. सो आपको बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है कि आप किस पर ट्रस्ट करते हैं, ओके. आपको बहुत ध्यान रखना है. हर किसी पर आंख बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन हर किसी पर डाउट भी नहीं करना है, ओके. ये भी बोला जा रहा है. तो आप इनसिक्योर हैं क्योंकि आप क्लियरली ये चीज़ समझ नहीं पाते थे कि किस पर ट्रस्ट किया जाए, किस पर ट्रस्ट ना किया जाए, ठीक है. तो आपको ये बोला जा रहा है प्ले सेफ. इसी वजह से एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको यू नो गाइड करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप बियॉन्ड इल्यूजन नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब आप बहुत जल्द इल्यूजन के आगे देख पाएंगे, ठीक है. जो भ्रम की स्थिति आपके जीवन में रही है, उस भ्रम की स्थिति से आप आज़ाद हो पाएंगे, ओके. ये मैसेज आ रहा है, ये डाउनलोड है आपके लिए, जो कोई भी ये मैसेज सुन रहा है, ओके. आप अब भ्रम की स्थिति से बाहर आने वाले हैं बहुत जल्द, ओके. आप उस भ्रम की स्थिति के बियॉन्ड देख पाएंगे, अब आप सच्चाई को देख पाएंगे, ठीक है. आप सत्य समझ पाएंगे. स्पिरिट्स टॉक टू यू एंड यू कैन हियर दैट. या स्पिरिट्स आपसे बात करते हैं और आप उस चीज़ को सुनते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है. स्पिरिट्स आपको क्लियरली बातें बताते हैं. योर हेटर हैज़ अ टैटू. आपके हेटर के हो सकता है कहीं पर टैटू बना हुआ है, आपके हेटर ने हो सकता है कहीं टैटू बनवा रखा है. तो ऐसा कोई पर्सन जो आपसे हेट करता है, उसने कहीं पर टैटू बनवाया हुआ है, ओके. उसकी पहचान आपको बताई जा रही है. या फ्रस्ट्रेटेड, हो सकता है आपका कोई हेटर है जो फ्रस्ट्रेटेड है. आपका कोई हेटर जिसने टैटू बनवा रखा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ओके. स्पीडी प्रोग्रेस. या आपके जीवन में बहुत तेजी से प्रोग्रेस होने वाली है. जो रुकावट आ गई थी, ठीक है, बीच में जो एक ब्लॉक्ड एनर्जी आ गई थी, उस ब्लॉकेज को रिमूव किया गया है, ठीक है. बहुत तेजी से आपके जीवन में प्रोग्रेस होने वाली है, बहुत तेजी से सुधार होने वाला है. डिवाइन प्रोटेक्शन. या आप दिव्य शक्तियों के सुरक्षा घेरे में हैं, ओके. दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा कर रही हैं. आपको ये चीज क्लियरली बताई जा रही है और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज ये प्रोटेक्शन और किसी के लिए नहीं है, आपके लिए है और आपके लव्ड वंस के लिए है. स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल. या सो आपको थोड़ा समय अकेले बिताना है, ओके, ताकि आपकी सोल हील कर सके, आपका आभामंडल पूरी तरह से क्लेंज हो सके, ठीक है. आपकी आत्मा पूरी तरह से हील हो सके. हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको यू नो फीवरिश फील हुआ हो या फिर डिजी फील हुआ हो, ठीक है. किसी ना किसी प्रकार से आपने लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है. कुछ ईविल आए वगैरह भी हो सकता है आपने अब्जॉर्ब किया हो, जिसकी वजह से आपको यू नो इस प्रकार की नेगेटिविटी फील हुई होगी, लेकिन आपने उसको ट्रांसम्यूट कर दिया है. इसी वजह से आपको ईविल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखना है, ठीक है, ताकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहें एंड ईजिली नेगेटिव एनर्जी को रिपेल कर पाएं. बिन पग चलें सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना. या सो दिव्य शक्तियों की क्षमता की बात हो रही है ये, ठीक है. उनकी जो क्षमताएं हैं, दिव्य शक्तियों की असीमित क्षमताएं हैं, ठीक है. दिव्य शक्तियां अपार क्षमता धारण करके रखती हैं, ठीक है.
बिना पग के वो चलती हैं और बिना कानों के वो सुन सकते हैं, मतलब उनकी शक्तियाँ अपार हैं, ठीक है, लिमिटलेस है। सो आपको बताया जा रहा है कि वो आपकी रक्षा कर रही हैं हर समय, ठीक है, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं। योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अभी इस समय आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है यू आर लव्ड, आपको अपने परसेप्शन को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, ठीक है। आप बेवजह इनसिक्योर फील कर रहे थे, आप इनसिक्योर इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया गया था, है ना, आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉकेज फेस करना पड़ा था क्योंकि आपको लोगों से मिक्स सिग्नल्स मिलते थे। हो सकता है आपको अपने पार्टनर से भी मिक्स सिग्नल्स मिले हैं जिसकी वजह से आप उनके बारे में एक मत नहीं बना पा रहे थे, राइट। बट आपके पार्टनर आपके लिए हाईली हाईली कमिटेड हैं। आपके पार्टनर की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, चैनलाइज मैसेज। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि ही और शी कांट अफोर्ड टू लूज यू, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लूज नहीं कर सकते, वो हर किसी को लूज कर सकते हैं लेकिन आपको लूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप बहुत प्रेशियस हैं उनके लिए, बहुत कीमती हैं, ये बात वो आपसे बोलना चाहते हैं, ठीक है। समवन इज गोइंग टू मेंटल जेल, तो कोई मेंटल जेल में जा रहा है, जिसने आपको ट्रैप करने की कोशिश करी थी ना वो मेंटल जेल में जा रहा है, ठीक है। उनका दिमाग मेंटल ट्रैप में जा रहा है। जो लोग आपका बुरा चाह रहे थे फिलहाल वो लोग मेंटल ट्रैप में जा रहे हैं। नो लव, समथिंग अबाउट नो लव, टूटा दिल, सी हेटर्स अलर्ट। सी आपसे हो सकता है कोई हेट कर रहा है बिकॉज आपके पार्टनर ने उस व्यक्ति से ऊपर आपको रखा है, आपको प्रायोरिटी पर रखा है, ठीक है। तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो हेट करता है आपसे, ठीक है। धन के नए स्रोत आपके जीवन में, धन के नए स्रोत बन रहे हैं, ठीक है, नए माध्यम से आपकी तरफ धन आने वाला है। सो धन आपकी तरफ आने के नए जरिए बना रहा है, धन को आपकी तरफ आना है क्योंकि आप डेस्टाइंड हैं धनी, महाधनी होने के लिए, महाधनी बनने के लिए। सी जेलस मेल, सो कोई जेलस मेल है जिसको ऐसा फील होता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है। कोई ऐसा मेल पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, ओके, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, या टूटा दिल, हो सकता है आपने उनका दिल तोड़ा, उनको ऐसा लगता है, बट आप हाईली डेडिकेटेड हैं अपने पार्टनर के लिए, राइट। तो हेटर्स अलर्ट। यू एज लाइक वाइन, योर ब्यूटी डोंट एज, तो आप यू नो समय के साथ साथ आप और ज़्यादा सौंदर्यवान होते जा रहे हो, आपके एज बढ़ती जा रही है लेकिन आपकी एज आपके फेस पर रिफ्लेक्ट नहीं होती है, आपकी ब्यूटी पर वो चीज़ नहीं रिफ्लेक्ट होती है। तो यू एज लाइक वाइन, आप एज के साथ साथ और ज़्यादा सौंदर्यवान होते जा रहे हो। यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, आप किसी का प्यार हैं, ठीक है, सो आप किसी की ज़िंदगी का प्यार हैं, तो ये चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है आपको ये मैसेज भेज रहे हैं। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। सो ईश्वर आपको ये बताना, या सो ईश्वर आपको ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपको वो चीज़ें देना चाह रहे हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए ये उनको पता है, लेकिन आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है ये ईश्वर को पता है। यू रियलाइज योर मिस्टेक, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ठीक है, किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, किसी का दिल टूटा है, ठीक है, उनको रियलाइजेशन है कि वो गलत है, ओके। सो देखिए बॉटम में क्या है, ओ माय गॉड, रेनफॉल ऑफ मनी, धन वर्षा, ठीक है, लिटरली धन वर्षा होने वाली है आप पर, अपार धन वर्षा होने वाली है, ठीक है। सो एंजल्स आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, वो आपको इन सब चीज़ों से अवेयर करा रहे हैं, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या इनिशियल्स आते हैं, क्या लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं। ओके, आई एम लिसनिंग, मेरी, कुछ मेरी आ रहा है, मेरी, तुम मेरी, ओके,
सी तुम मेरी नंबर 3 स्पेसिफिक है, 31 हो सकता है किसी की एज है, 13 हो सकता है किसी का, 13 हो सकता है किसी की बर्थडे डेट होती हो, 13, ठीक है, 1 जनवरी या 1 मार्च हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, 31 हो सकता है किसी की बर्थडे डेट हो, ओके जाल, या आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट जल या जाल, कुछ तो बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, या एफ सी आई एफ सी, ओके फेल सी, या सो कोई चाह रहा था कि आप सक्सेसफुल ना बनो, ठीक है, आपके फेलियर के लिए कोई प्रे कर रहा था, या लेकिन आपको जस्टिस दिया गया है, ओके या जेड आई, ओके ए आई एफ, इंडियन एयरफोर्स, आई एफ, कोई इंडियन एयरफोर्स में है, एल आई सी, समथिंग अबाउट एल आई सी, जे जेड, समथिंग अबाउट ई एम आई, कुछ ई एम आई, तुम ई एम आई, आई आर एफ, ओके किसी का नेम है ईरा, ईरा नेम है किसी का, फिज, जरा, जारा, जे एफ आई, ओके किसी का नेम मीतू है, नेम आ रहा है यहां पे मीतू, रितु, रीमा, या कुछ नेम्स चैनलाइज हो रहे हैं यहाँ, रीमा, ओके कुछ खाना खाने की बात हो रही है, ईट, रिमूव, मीरू, मीरू नेम आ रहा है, ओके सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे हैं एंजल्स आपको, कुछ चैनलाइज नेम्स भी आए हैं यहाँ, नंबर 3 एंड नंबर 1 आपके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, 31 हो सकता है आपकी एज हो, या फिर 31st को हो सकता है आपका बर्थडे होता हो, ठीक है, या फिर 13th को आपका बर्थडे होता हो, सो ये कुछ मैसेज है, स्पेसिफिक मैसेज आपको एंजल्स देना चाह रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.